देश में ऐतिहासिक कृषि सुधारों के संसद से पास होने के बाद आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज एमएसपी में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं 18-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम 1.5 गुना करने की घोषणा की। तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारत औषध उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर की है। आज हमने रबी की बुआई प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं के एमएसपी में 50 रुपये कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपये की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति कुंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 प्रति कुंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपये प्रति कुंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5327 प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में किसानों को मसूर 2950 रुपये एमएसपी दी जा रही थी। आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपया एमएसपी पा रहे हैं। यह एक तरह से 73% वृद्धि हुई और 2000 रुपये की वृद्धि है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो दिखता है, कांग्रेस के समय में खरीद की क्या हालत थी। 2009 से 14 के बीच में के कांग्रेस सरकार के समय में 1.52 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार ने 2014 से 19 के बीच में 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है। ये 4962% की वृद्धि है। अगर एमएसपी के भुगतान की बात करें तो हमने 6 साल के भीतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में 7 लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को भी और किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के मित्र जब कृषि सुधार के बिल आए तो यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था एमएसपी जारी रहेगी। जो भारत सरकार ने कहा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे देश को ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी, और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी खरीद भी एमएसपी पर सरकारी खरीद की जारी रहेगी। दिवाला और संशोधन शोधन अक्षमता संहिता दूसरा आपके नेता से पूछ लो स्टेटमेंट पे यहाँ पे न्यूनतम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता